प्रतापपुर उपचुनाव के लिए अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। आज सुबह 7 बजे से मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया। अब से कुछ देर बाद मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो जाएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1100 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 256 में से 82 मतदान केंद्र संवेदनशील के दायरे में हैं, जबकि 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील के अंतर्गत आते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा में 1,95,822 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। जी, हमारे यहाँ कल जो है मतदान होना है और 256 जगह मतदान केंद्र है हमारा, तो हम लोगों ने अलग अलग काउंटर बनाए हैं। हमारा देखिएगा इधर कि 15 काउंटर बने हैं, उसमें हम लोगों ने काउंटर के हिसाब से, यहाँ 45 रूट है तो उसमें अलग अलग मतदान केंद्र जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने सारे सामान हम लोगों ने जमा करके, साले मटेरियल किट, साले प्रपत्र और ईवीएम मशीन जो नंबरिंग के हिसाब से हुआ है रेंडमाइजेशन में, उसके हिसाब से हम लोगों ने जमा करके अभी तक लगभग 70 जो है मशीन हम जो अभी बांट चुके हैं। उसके लिए हम लोगों ने गाड़ी अलग अलग रूट के लिए अलग अलग गाड़ी की है। जैसे यहाँ सामने आप देखेंगे कि हम लोगों ने 45 रूट किए हैं, तो हमारे पास 53 बसेस हैं, तो हम लोगों ने 45 तो रखे ही हैं। उसके अलावा छोटी जो गाड़ियां हैं जो अंदरूनी एरिया में, कम से कम 12 गाड़ियां लगेगी, उसके लिए भी हम लोगों ने मुहैया करा लिया। सर, काफ़ी इलाके नक्सल प्रभावित भी हैं, उसको लेकर किस तरह से पुलिस के साथ समन्वय? जी, यहाँ पे अति संवेदनशील में 17 मतदान केंद्र है, तो वहाँ के लिए हमारे SP साहब के निर्देशन में जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्स हैं या लोकल जो फोर्सेस हैं वो वहाँ डिप्यूट कर दिए हैं, और आशा करते हैं कि बढ़िया कल जो है मतदान होगा। संगवारी बूथ है वो हमारे 5 हैं, उसके लिए हमारे महिला कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके सहायता के लिए हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, हम लोग जो है उन 5ों जो मतदान केंद्र है उसको स्पेशली देख रहे हैं। उसके अलावा एक जो है दिव्यांग मतदान केंद्र भी है, जिसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, उसके लिए हम सामान जो है वितरित कर रहे हैं।